दृढ़धरी आत्मज्ञान विचारी राखे समाधान ज्ञानावसाधक तोडुनी द्वैताची उपाधि अद्वैत वस्तु साधने साधी लावी ऐक्यतेची समाधि ज्ञानावसाधक। पर मैं कहती हूँ, दुकान में जाने की इतनी जिद किस लिए? अगर सहन नहीं होता तो क्यों कर रहे हो? आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक है। मेरा काम भी तो शिव पूजा ही है, और उसको कैसे टाल सकते हैं? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन अब उम्र का ध्यान भी रखना चाहिए ना। नरहरी पर अभी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए हमें। हम भी वही सोचते हैं, लेकिन नरहरी का पूरा ध्यान शिव भक्ति में ही होता है, उसका गृहस्थी में ध्यान ही नहीं है। धीरे धीरे, अभी देखो, ईश्वर के प्रति प्रेम हमने ही सिखाया ना उनको, अभी उसको गृहस्थी भी सिखानी चाहिए। हम अब बूढ़े हो गए हैं, हमारे बाद उसे सारी जिंदगी गुजारनी है। मैं तो कहती हूँ नरहरि का विवाह कर देते हैं, ताकि उसे उसकी जिम्मेदारियां पता चले। बिल्कुल सही कहा सावित्री। अरे, एक बार नरहरि का विवाह हो गया तो अपने आप ठीक हो जाएगा, और एक बार जिम्मेदारी आ गई, हमारा दुकान भी संभालेगा वो, और आज नहीं तो कल उसे हमारे घर को और कारोबार को संभालना ही होगा। मैंने एक लड़की देखी है, बिल्कुल नरहरि के लिए अनुकूल, लक्ष्मी नारायण जैसा जोड़ा दिखेगा उनका। अरे, फिर देर किस बात की, हाँ? विवाह पक्का कर दीजिए। अरे, पर नरहरि से तो पूछना पड़ेगा ना। अरे, वो हमारा बेटा है, क्या हमारी बात टालेगा वो? चलिए, विवाह की हाँ, बात पक्की करते हैं। मेरे विवाह की इतनी जल्दी क्या है? मैंने आपकी कोई भी बात नहीं टाली है। मैंने कहा था ना, हमारा नरहरि हमारी बात नहीं टालेगा। हम थक गए अभी। अरे, हमारी आंखों के सामने तुम्हारा विवाह हुआ, तुमने गृहस्थी बसा ली और कारोबार संभालने लगोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी गृहस्थी शिव भक्ति के आड़ नहीं आनी चाहिए। अरे अरे, गंगा एक संस्कार संपन्न लड़की है। नरहरि, अरे शिव भक्ति तो हमारे सात जन्मों की पूंजी है। अरे, हमारे शिवालय में गंगा सुख समाधान और शांति से रहेगी। अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। वैसे भी माँ अभी बूढ़ी हो गई है, उसे मदद की जरूरत है। अरे, बहू का मुख देखे बिना मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे विवाह की जल्दी है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा, ये शिव प्रपंच का घर है। इस घर का घर वालों का दैवत मतलब शंभू महादेव। इस घर में केवल शंकर की ही पूजा की जाती है। पर मैं हरेक की पूजा करती हूँ और सब भगवान एक समान ही तो है। नहीं गंगा, ये भरत भूमि मतलब एक शिवालय है। इस सृष्टि का निर्माता, विधाता, रक्षिता शंभू महादेव है। इस सारे जगत में शिव का एक ही तत्व समाया हुआ है, आदि और अंत शिव है। मान्य है, लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि बाकी भगवान पूजनीय नहीं है। गंगा, पंढरपुर में जन्म लेके भी मैंने अभी तक विठोबा का दर्शन नहीं लिया है। बहुत बार बुलाने पर भी मैंने नामदेव का प्रवचन नहीं सुना, क्योंकि वो हरिभक्त और मैं शिव भक्त। राम परमात्मा होता तो वो शिव को शरण क्यों जाता? विठोबा की भक्ति के पहले पुंडलिक शिवभक्त ही था। विद्वान बताते हैं कि ये सब देव एक परब्रह्म के नाम है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल मान्य नहीं। ज्ञानदेव, नामदेव बड़े सत्पुरुष हैं, पर वो है शैव ही। उनकी शिवोपासना फलित हुई और इसीलिए वो इस अचल स्थान पर पहुंचे। गंगा, शिवोपासना ये एक ही अंतिम सत्य है। नाराज मत होइए, पर शिवोपासना वैराग्य का काम, ये वैराग्य को शोभा देता है। हम तो प्रापंचिक लोग हैं, गृहस्थी करने वाले। ऐसा किसने कहा? इस विश्व का प्रपंच करने वाली शिव शक्ति एक प्रापंचिक रूप है। पाश विरक्त रहकर भी इस जीव सृष्टि का पालन उन्होंने किया ही। सब कर्म करके भी उसमें ना होने की विरक्त दिशा उन्होंने दिखाई। गंगा, हम सब में शिव पार्वती का वास्तव्य है। उनके जैसा प्रपंच करके भी उससे अलिप्त रहना हमें सीखना नहीं चाहिए? सच है, मगर शरीर पर राख लगाकर अलिप्त होने से अच्छा गृहस्थी करके ईश्वर चिंतन में अलिप्त होना अच्छा ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस साल बारिश भी नहीं हुई, बहुत मुश्किल है। खेती बाड़ी भी जल गई है, अब क्या करें हम लोग? आइए आइए नरहरी बुआ, बैठिए। नहीं नहीं, दुकान पर लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मुझे जाना होगा। अरे रुकिए नरहरी बुआ, पैसों के पीछे कितना भागोगे? इन सोनारों का अच्छा होता है, हर वक्त शरीर पे गहने होते। फिर क्या, शिव जी के गले में रुद्राक्ष और भक्त के गले में सोने का गहना। ये लो, हम सोनार हैं। शिव नाम का सोना, यही हमारा अलंकार, यही हमारा पुरखों का व्यवसाय। शिव नाम के सोने के आगे ये झूठा सोना क्या आनंद देगा बताओ? आपको चाहिए तो आप ले लो। क्या बात कर रहे नरहरी? नरहरी, पूरा पंढरपुर कहता है अपने इष्ट ईश्वर पर श्रद्धा हो तो आप जैसी, ईश्वर चाहे कोई भी हो, बस उसे अपने मन मंदिर में बिठा के पूजा करनी चाहिए। धन्य हो आप। ये मेरे माता पिता का गौरव है, आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे दिए संस्कार जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। उनका ये व्यवसाय सच्चे दिल से करना, यही हमारा ब्रीद है। उनका शिवालय संभालना, ये हमारा धर्म है। अरे नरहरी बुआ, यहाँ बातें करने से अच्छा है मंदिर के प्रांगण में जाकर बोध दे दो लोगों को। मैं बोध क्या दूंगा, वो अधिकार नामदेव और ज्ञानदेव का है। हम कहते हैं, देवा तुझा मी सोनार,
तुझे नामाचा व्यवहार, देह बागेशरी जाणे, अंतरात्मा नाम सोने। देवा तुझा मी सोना रे, देवा तुझा मी सोना रे, देवा तुझा मी सोना रे, तुझे नामाचा व्यवहार, तुझे नामाचा व्यवहार, तुझे नामाचा व्यवहार, देवा तुझा मी सोनार, देवा तुझा मी सोनार, तुझे नामाचा व्यवहार, तुझे नामाचा व्यवहार। कैसे आए पंढरपुर? खास आपके पास काम लेके ही आया हूं नरहरि जी। हमारी हाथ से आपकी सेवा होने पर साक्षात शंभू महादेव की सेवा का आनंद मिलेगा। अरे नरहरि बुआ, साहूकारी पेढ़ी बहुत अच्छे से चल रही है। अरे भगवान ने धन दौलत सब कुछ तो दिया है, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। शिव शंकर प्रसन्न जाचे वरी, ऐश्वर्य तिथे राज्य करी। बस एक चीज की कमी थी, हमें संतान नहीं थी। एक महात्मा ने कहा कि पंढरपुर के विठ्ठल का व्रत कीजिए। हम दोनों ने व्रत किया। संतान होने पर पांडुरंग को सोने का रत्नजड़ित कमरपट्टा चढ़ाएंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ? क्या हुआ क्या पूछ रहे हो नरहरि? हमारे घर बालकृष्ण पैदा हुआ। अरे वाह सेठ जी वाह, मतलब असल रूप से वंश को दिया मिल गया, और इससे बड़ा कोई धन नहीं है। हाँ इसीलिए तो आपके पास आया हूं। पांडुरंग के लिए सोने का रत्नजड़ित कमरपट्टा आप तैयार कीजिए। मैं? अब आप मुझे बताइए, इस पंढरपुर में दूसरा ऐसा कौन कारागिर है जो आप जैसा गहना बना सके? आपका लौकिक बहुत बड़ा है, ये व्रत का कमरपट्टा आप ही बना के दीजिए। मैं सोना हीरे सब कुछ साथ लेके आया हूं, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वो सब ठीक है सेठ जी, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा, आप किसी और से ये काम करवा लीजिए। क्यों, आप क्यों मना कर रहे हो? सेठ जी, मैं मेरी हर एक कलाकृति शिवशंकर को समर्पित करता हूं, लोगों के अलंकार बनाते हुए उसे शिव स्वरूप मानता हूं, विठ्ठल का काम मैं कैसे करूं? अरे नरहरि बुआ, पांडुरंग को भी शिव स्वरूप समझिए, हरि और हर एक स्वरूप ही तो है। वो आपके लिए सर्वत्र एक ही परब्रह्म विविध नाम से जाना जाता है, ये अलंकार आप ही बनाइए, इसे मेरी जीत समझो। सेठ जी, मैं शिवालय के अलावा किसी और मंदिर में नहीं जाता, किसी भगवान का दर्शन नहीं लेता, अब विठ्ठल के कमर का नाप लिए बिना मैं अलंकार कैसे बनाऊं? मैं उस मंदिर में नहीं आऊंगा। अरे केवल नाप लेने से आपकी शिव भक्ति में ऐसी क्या कमी आने वाली है? ये मुझसे नहीं होगा। सिर्फ नाप का सवाल है ना, मैं विठोबा की कमर का नाप लेके आता हूं, उस नाप के अनुसार आप मुझे कमरपट्टा बना के दीजिए। ठीक है सेठ जी, आपके लिए और आपकी निष्ठा के लिए मैं ये काम करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, आपके दिए हुए नाप के अनुसार मैं अलंकार बनाऊंगा, बाद में मुझे दोष मत दीजिए। ठीक है, ये हीरे मोती जवाहरात आप अपने पास रखिए, मैं आपको नाप भिजवा देता हूं।
ठीक है सेठ जी। अरे अरे गुरुजी, कहाँ चले इतनी जल्दी में? अरे उसका ऐसा है, मेरी बेटी का विवाह तय हुआ है ना, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। जेवर बनाने के लिए नरहरी बुआ के पास जा रहा हूँ। सच है, सच है। बताइए कब है विवाह आपके बेटी का? अगले सप्ताह में है। अच्छा मैं आपको एक बताता हूँ, एक अच्छा सा उपदेश दूँ आपको। क्या? अगर अकलमंद हो तो उस नरहरी बुआ के पीछे जाना छोड़ दो और कोई दूसरा कारागिर देखिए, नहीं तो मुहूर्त टल जाएगा और गहने मिलेंगे ही नहीं। हाँ सच है, पंढरपुर में लोग बातें बनाते तो है ना नरहरी बुआ के बारे में, कहते हैं चांद की जगह सूरज भी निकल सकता है, लेकिन नरहरी बुआ दूसरे भगवान का दर्शन नहीं लेंगे। लेकिन सेठ जी ने पैसों का लालच दिखाया तो यही नरहरी बुआ सब कुछ भूल गए। अभी पंढरपुर में चर्चा का यही एक विषय है। आपको बताता हूँ गुरुजी, पैसा आदमी को कितना बदल सकता है इसका कुछ कह नहीं सकते। अरे क्या बोल रहे हो, नरहरि तो शिव भक्त, गलती से दूसरे भगवान का दर्शन हुआ तो स्नान करते हैं वो, और अब वो विठोबा के दागिने बना रहे हैं, ये तो आश्चर्य की बात है। छी 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 छी, अरे क्या कर रहे है वो, अरे हम तो उन्हें संत आदमी समझते थे। जा रहे हो ना गहने बनाने? नहीं नहीं, पंढरपुर में और भी कारागीर पड़े हैं। अच्छा मनोरंजन हो गया सवेरे सवेरे। बहुत मजा आया। सेठ जी, ये आपका दिया हुआ नाप और उसके अनुसार मैंने ये अलंकार बनाया है, देखिए तो आपको अच्छा लगता है क्या? अरे क्या नरहरी हुआ, आपके पिताजी के समय से हमारे घर पे गहने बनते आ रहे हैं, हम आपसे कोई शिकायत करे इतनी हमारी पात्रता कहाँ? बहुत ही सुंदर कमरपट्टा बना है ये, कोई शंका नहीं। हमारे ग्राहक के चेहरे पर का समाधान यही हमारा नहीं, नहीं, धन है। ऐसे कैसे, ये रहा आपका मेहनताना। नहीं नहीं, जिस कार्य के लिए आपने ये अलंकार बनाया है वो कार्य तो पहले पूरा कीजिए, बाद में आइए। ऐसा कह रहे हो, ठीक है जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि पांडुरंग का अभिषेक देखने के लिए पूरा पंढरपुर मंदिर में आया है, वहां सबके सामने आपका सम्मान करने की इच्छा थी मेरी। अरे सेठ जी, सत्कार महापुरुषों के करते हैं, हम शैव कारागिर बेल फूल के पुजारी, हमारा कैसा सत्कार? आप जाइए, लोग राह देख रहे होंगे। सच है, चलता हूं मैं, वापस आके मिलता हूं आपसे। आइए। विठल 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 विठल, भगवान पे कुमकुम चढ़ाओ, हल्दी चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, भगवान पे हल्दी चढ़ाओ, कुमकुम लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। सेठ जी गहने इधर दीजिए। ये क्या सेठ जी, कितना बड़ा हो गया है ये, इसे कैसे पहना है? लेकिन मैंने खुद कमर का नाप लेके नरहरी बुआ को दिया था। क्या सेठ जी, पूरे पंढरपुर में यही मिला था आपको गहने बनाने के लिए? वो थोड़े ही मन से काम करेगा, शिवजी के गहने बनवाइए, फिर देखिए कैसे अच्छा बनाता है वो। सच कहा आपने, लेकिन अब मैं इसका क्या करूं, इसकी लंबाई थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी। हाँ तभी तो ठीक होगा वो, नहीं तो इसका क्या फायदा। सच कहा आपने, अभी जाके इसकी लंबाई कम करवा के लाता हूं। ऐसा कैसा हुआ सेठ जी, आपने दिए हुए नाप के अनुसार मैंने ये अलंकार बनाया है, अब ये रहा नाप और ये रहा अलंकार। हाँ ये तो बराबर है, लगता है जल्दी जल्दी मैं ही गलत नाप लेके आया। ठीक है, अब क्या करें ऐसा विचार है। अब एक काम कीजिए, ये थोड़ा लंबा हो रहा है, इसे थोड़ा कम करवा दीजिए ताकि आराम से बैठ सके।
अच्छा ये नाप तो बराबर है ना? हाँ बराबर है, कोई शक नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से नाप लिया है। ठीक है, इसे मैं छोटा कर देता हूँ। जय जय वासुदेव हरि, 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 जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय वासुदेव 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 हरि। अब ये क्या हो गया? अरे आपने कम करने को बोला, नरहरी ने बहुत ज्यादा कम कर दिया, अब इससे क्या होगा? ये कैसा मजाक है, मैं अभी जाता हूँ और उन्हें लेके आता हूँ। नरहरी बुआ, नरहरी बुआ, ये क्या मजाक है, नरहरी बुआ। सेठ जी, सेठ जी क्या हुआ क्या? आइए आइए आइए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप खुद मंदिर चलिए और विठोबा के कमर का नाप लेके गहना बना दीजिए। बहुत सारे लोगों ने अपने आंखों से देखा है, अब पूरे गांव में चर्चा होगी। मैं शंभू महादेव के अलावा किसी का दर्शन नहीं करता। बुआ 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 आप ऐसा मत कीजिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, इसे सुधारना होगा। मुझसे ये नहीं होगा, मैं विठल का मुंह नहीं देखूंगा, ये मेरा कृत निश्चय है। सेठ जी, पांडुरंग का व्रत मुझसे पूरा ही ना हो, ऐसा विधि लिखित ही है। सेठ जी बुरा मत मानिए, मैं मेरे काम से प्रामाणिक रहकर भी ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही उपाय है। बताइए बताइए, कोई तो उपाय बताइए, मैं बहुत बेचैन हूं। सेठ जी, मैं मेरे कृतनिश्चय के अनुसार दूसरे किसी देवता का दर्शन तो नहीं करूंगा, लेकिन आपकी देवता के कमर का नाप लेकर वही के वही अलंकार छोटा या बड़ा करके दूंगा, फिर तो ठीक है ना? लेकिन ये कैसे संभव है? संभव है सेठ जी, आप मेरी आंखें बांधकर मुझे मंदिर ले जाइए, विठोबा की कमर का नाप लेकर अलंकार छोटा या बड़ा करके देता हूं, फिर तो ठीक है ना? अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? ये क्या, नरहरी बुआ की आंखें बांधकर उन्हें ले जा रहे हैं सेठ जी? हाँ, नरहरी बुआ के पास उन्होंने गहने दिए हैं बनाने को। पिछले सप्ताह से ऐसी चर्चा हो रही है पंढरपुर में। अरे लगता है ऐसा ही कुछ हुआ है, देखो देखो शायद सेठ जी उन्हें विठल मंदिर ले जा रहे हैं। पर मैं क्या कहता हूँ, आंखों पे पट्टी क्यों बांधनी है? अरे मैं क्या कहता हूँ, हम उनके साथ मंदिर में ही चलते हैं, क्या कहते हो? हाँ चलते हैं। अरे ये तो पांडुरंग के मंदिर में जा रहे। हाँ हाँ, अरे पर नरहरी बुआ भगवान शंकर के अलावा किसी को नहीं मानते। पर ये क्या, पर ये सब क्या हो रहा है, हमें पता करना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो, 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 चलो। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, जय जय 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 विठोबा रखुमाई।
अरे ये तो मेरा शंभू महादेव। अरे 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 अनर्थ हो गया, मैंने इस विट्ठल का मुंह देख लिया। मेरा प्राण प्रिय दैवत समझ के मैंने आंखें खोली। शिव शंभो शंकरा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हे शिव शंकरा, साक्षात तुम्हारा स्पर्श मुझे हो रहा है। ये व्याघ्र चर्म, रुद्राक्षमाल, त्रिशूल भी सारा सारा मेरे परिचय का है। मगर शंभू महादेवा, मेरी आंखें खुलते ही तुम्हारा विठोबा कैसे हो जाता है? हे शिव शंकरा, शिव आणि विष्णू एकची प्रतिमा, ऐसा ज्याचा प्रेमा सदोदित। धन्य ते संसारी नर आणि नारी, वाचे हरहरी उच्चारित। सोनार नरहरी न देखे द्वैत, अवघा मूर्तिमंत एक रूप। नरहरी, हरी और हर अलग है क्या? अरे मैं तो पूरे विश्व में बसता हूं। तुम जैसे भक्तों के लिए मैं इस ईंट पर सदैव खड़ा हूं। सगुण से निर्गुण की प्राप्ति करने का रहस्य जान लो। मेरे दर्शन में तुम्हें शिव के दर्शन हो, इसलिए मस्तक पे मैं शिवलिंग धारण करता हूं। कृपा करी पंढरीनाथा, कृपा
करी पंढरी नाथा दीनानाथा तू समर्था दीनानाथा तू समर्था दीनानाथा तू समर्था। अरे नरहरि बुआ को प्रत्यक्ष पांडुरंग ने दर्शन दिया। हाँ सच कहा, और हम ठहरे अभागी। उनकी शिव भक्ति को लेके हम उनका मजाक उड़ाते रहे। हरिहर की एक रूपता उनकी वजह से समझी। हाँ। अरे नरहरि बुआ का अधिकार इससे बहुत बड़ा है। अरे पंढरपुर के बहुत बड़े संत है वो। अरे कितने बदल गए हैं वो आजकल। अभी पांडुरंग के सारे गहने उन्होंने ही बनाए। अरे हाँ, आजू बाजू के गांव से बहुत लोग आते हैं यहाँ, पहले विठ्ठल का दर्शन फिर नरहरि बुआ का दर्शन। सच कहा आपने, ये तो पंढरपुर का भाग्य ही है। नामदेव जना नरहरि जैसे संत यहाँ है। वहाँ श्रद्धा की नदियाँ भर भर के बहती है। इस नदी को पहले हम नहर समझते थे। इतना बड़ा ज्ञान सागर होते हुए भी हम प्यासे ही रह गए। अरे जो हुआ हम उसे सुधारेंगे। आज शाम को नरहरि महाराज का प्रवचन है, हम सब लोग उसका लाभ उठाएंगे। ऐसा कहते हो तो उनकी अमृत वाणी की नैया में बैठ के हम भव सागर पार करते हैं। सत्संग से क्या नहीं होता, सत्पुरुष पारस जैसे होते हैं। उनके स्पर्श से हम जैसे लोहे भी सोना बन जाते हैं, जीवन का सार्थक होता है। अरे हाँ चलो चलो, मुझे आज कुछ भी करके नरहरि बुआ का प्रवचन तो सुनना हाँ। ही है। चलो 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 चलो। नाम फुकाचे फुकाचे देवा पंढरी रायाचे, नाव अमृत हे सार हृदय जपा निरंतर। परमात्मा और अपने आसपास के विश्व का नाम एक ही है। निष्काम भक्ति इह और पर इन दोनों निष्ठाओं का पोषण करती है और मानवीय जीवन का सारे अंगों से विकास करती है। परमेश्वर के नाम स्मरण में महाकाय पर्वत को नष्ट करने की शक्ति है। जो कोई उसकी सच्चे दिल से भक्ति करता है, परमेश्वर उसके साथ होता है, वो उसका रक्षण करता है। जाने जैसे आचरिले तैसेची त्याचा फळा आले, जैसा भाव तैसा देव, जैसे पेरिले तैसेची उगविले। परमेश्वर से मिलने की इच्छा जितनी दृढ़, परमेश्वर उसे मिलता ही है। लेकिन हम आज भी मूर्ति में भगवान ढूंढते हैं, वो अज्ञान होता है। ज्ञान कैसा होता है देखो, सूर्य से गगनी परी दिसतो जीवनी, मेघ असे अंबरी पाणी पड़े भूमिवरी, आकाशी चंद्र तारांगणा बिंब दिसे पाण्यातुनी। आत्मा अनुभवी पाहता, आत्मा अनुभवी पाहता देव दिसे हो तत्वता। परमेश्वर सारे विश्व में वास करता है, वो व्यक्ति व्यक्ति में आत्म रूप से स्थित है। उसका शोध लीजिए, उसका अनुभव जब आएगा तब मानवी जीवन का सार्थक होगा। तो इसके लिए एक ही मार्ग है, नाम स्मरण। उस सावले सुंदर रूप का नाम घोष करेंगे। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि।
अजी अजी सुनिए। क्या हुआ गंगा? आप देव पूजा कर रहे थे ना? अजी तो? अजी ये देखिए सोना। अजी हर रोज देवघर में बहुत सारा सोना मिल रहा है। ईश्वरी इच्छा। गंगा, पांडुरंग, मल्लिकार्जुन और बागेश्वरी हम पे प्रसन्न है। देवी देवी भगवती, मैं तुम्हारे आशीर्वाद से धन्य हो गया। राम नाम का सोना मेरे गृहस्थी के लिए काफी है। मैं क्या करूं इस सोने का? तुम्हारी कृपा ही मेरे लिए सोना है देवी। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम ये सारा सोना विट्ठल के चरण में अर्पण कर देंगे। उसका सोना उसी के काम आएगा। गंगा, मैं भी यही कहने वाला था। बहुत दिन मेरी एक इच्छा थी। इस सोने के साथ मैं पांडुरंग की एक सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। क्या हो गया मेरे हाथों? विठला मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई मेरे हाथ से। क्यों विठला? माय बाप पांडुरंगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। मैं कितना दुर्भागी, मेरा अहम अभी तक है। मैं कैसा स्वर्णकार, धर्म से श्रेष्ठ नाम स्मरण की विद्या तुमने मुझे देकर भी मुझे व्यवसाय का मोह क्यों? निर्गुण ब्रह्म की सगुण साकार मूर्ति को मेरे भक्ति से सजाने के बजाय मैं इस मर्त्य स्वर्ण में क्यों अटका हूं? मैं जीवन भर तुम्हारा नाम महिमा गाऊंगा। मैं सब सब छोड़कर तुम्हें शरण आया हूं भगवान। जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे, तुझमें समा नहीं लेते, तब तक मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा भगवान। विट्ठला पांडुरंगा, विठला विठला